और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पिछले 5 दिनों से हनीप्रीत जो है वो भटिंडा में छिपी थी। ये बात किसी और ने नहीं, पंचकुला के कमिश्नर ने दी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हनीप्रीत हिरासत में और कल उसे पंचकुला की एक अदालत में पेश किया जाएगा। उसके साथ एक और लड़की जो है वो हिरासत में है। क्या कहा कमिश्नर ने, सुनते हैं। हरियाणा से पुलिस ऑफिसर्स को, लेडी ऑफिसर्स को डेप्यूट करवाया था, उनकी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के अंदर, शुरू के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी तक वो नहीं बोल रही है। ऐसी स्थिति में हमारे को थोड़ा सा समय लग रहा है, वी आर ऑन द जॉब, और ये इंटेरोगेशंस कंटिन्यूअस चलती रहेंगी और कल हम इसको कोर्ट के अंदर जब पेश करेंगे उसके बाद रिमांड भी लिया जाएगा। और जो जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, इनिशियली हमारे पास जो कॉपरेशन या सही बोलने की जो चीज़ है वो अभी तक सामने नहीं आई है, सो वी आर ऑन द जॉब। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे पंचकुला के पुलिस कमिश्नर को, जो वो कह रहे थे कि पिछले 5 दिनों से वो भटिंडा में था। ये फिर सुनते हैं उन्हें। दैट एक सेकेंड, दैट कनेक्शन हैज नॉट बीन फाउंड। इंसिडेंटली द लेडी हु वॉज ट्रेवलिंग टूडे, शी हैज कन्फर्म्ड दैट हनीप्रीत वॉज विद हर फॉर द लास्ट मेनी डेज इन अ रिमोट, इन अ लोकेशन इन भटिंडा डिस्ट्रिक्ट। और जो हमारे पास शुरू में भी आई थी, हमने आप लोगों को बताया था कि ये 2 तारीख को गुरुसर मोड़िया से गई है जहां पर हरियाणा पुलिस ने रेड मारी थी, तो वहां से ये 2 तारीख के बाद हर लोकेशन इज इन भटिंडा डिस्ट्रिक्ट। द फैक्ट्स दैट हैव कम टू अस, उनकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और वेरिफिकेशन करने के बाद दैट विल टेक सम टाइम बिकॉज वी आर द लोकेशन वेयर शी इज स्टेइंग, वी विल हैव टू टेक हर देयर एंड कंफर्म द थिंग्स। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।